नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम सर्दियों के मौसम में खाई जाने वाली खास बाटी बनाएंगे। हम बनाएंगे मक्के के आटे से बाटी। एकदम कुरकुरी बाटी है ये। इन्हें सरसों का साग, दाल, चटनी किसी के भी साथ परोसिए, आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आइए शुरू कर लेते हैं। बाटी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। हमने लिया है प्याली में 1.5 कप मक्के का आटा। इसमें हम 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, 3/4 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डालें तो अच्छा फ्लेवर आता है, और इसकी जगह हम कलौंजी भी डाल सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और ये 1/4 कप तेल। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये कप में हमने गर्म पानी लिया है, हल्का गुनगुना पानी लिया है, उससे हम आटा गूंथेंगे। आटा हमें ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गूंथना है और ना बहुत ज़्यादा सख्त। ये हमने डो लगाकर तैयार कर लिया। अच्छा डो लगाया है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा सॉफ्ट है। डो को हम ढक कर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। इसके बाद बाटी बनाएंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा भी सेट हो गया है। अब हम इससे बाटियां बनाएंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और आटे को थोड़ा सा मसल लेंगे। ये डो लगाने में हमें 1 कप 2 टेबल स्पून पानी लगा है। बाटी हम कुकर में बना रहे हैं तो हम कुकर गर्म करेंगे। कुकर में हमने 2 कप नमक डाला हुआ है। नमक का कलर ब्राउन है। इस नमक से हम बहुत सारी बेकिंग कर चुके हैं। बेकिंग करने के बाद नमक को वापस छानकर डब्बे में रख देते हैं और फिर से इसे कितनी ही बार यूज कर सकते हैं। और ये हमने एक जाली स्टैंड रख दिया, इसमें गैस ऑन कर देते हैं और इसे ढककर हम 7-8 मिनट तक तेज़ फ्लेम पर गर्म होने देते हैं। इधर हमारा कुकर गर्म हो रहा है, तब तक हम बाटी बना लेते हैं। बाटी बनाकर इन प्लेट्स में रखेंगे तो इन्हें हम चिकना कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल डाला और प्लेट पर चारों ओर लगा दिया। बाटी अपनी पसंद के अनुसार थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी छोटी बना सकते हैं। तो थोड़ा सा आटा तोड़ेंगे और इसे गोल करेंगे और इस तरीके से दबाकर चपटा कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी बाटियां बना लेंगे। एक बाटी से दूसरी बाटी के बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। बाटी के ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाकर इन्हें चिकना कर देंगे। कुकर गर्म हो गया है, प्लेट को सावधानी से उठाकर हम कुकर के अंदर रख देते हैं और कुकर को बंद कर देते हैं और इन्हें तेज़ फ्लेम पर 16 मिनट तक सिकने देंगे। इसके बाद चेक करेंगे। तब तक हम दूसरी बाटी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें पकते हुए 16 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। बाटी अच्छी फूल गई है, एकदम चटक गई है और नीचे से भी हल्की सी सिक गई है। चेक कर लेते हैं। नीचे से बाटियाँ थोड़ी हल्की सीखी हैं, अभी हमें इन्हें और सेकना है। तो बाटियों को वापस से हम ढक देते हैं और इन्हें 6 मिनट और सेकने देते हैं। इसके बाद फिर चेक करते हैं। बाटियाँ ऊपर से तो अच्छी फूली हैं, हम इन्हें नीचे की साइड से चेक करते हैं। नीचे की साइड से भी बाटियाँ अच्छी सीख गई हैं, इन्हें पलट देते हैं। कुकर को बंद कर देते हैं और बाटियों को 5-6 मिनट और सिकने देते हैं। 6 मिनट हो चुके हैं, हम इन्हें चेक कर लेते हैं। हमारी बाटी दूसरी ओर से भी अच्छी सिक चुकी हैं। निकाल लेते हैं इन्हें और ये बची हुई बाटियां भी इसी तरह से सेक लेंगे। इन्हें हम गर्मा गर्म ही घी में डिप कर लेते हैं।
ये बाटियाँ भी हमारी दोनों ओर से अच्छी गोल्डन ब्राउन सीख कर तैयार हो गई हैं। एक बार की बाटी सेकने में 26 से 27 मिनट लग जाते हैं। इतने डो से हमने 10 बाटी बनाई हैं। इन्हें भी घी में डिप कर लेते हैं। और अगर हमें बाटी में ज़्यादा घी लगाना हो तो हम बाटी को इस तरीके से चम्मच से थोड़ा सा दबाकर फोड़ लेंगे, इसके अंदर अच्छे से घी चला जाएगा, बाटी बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगी। गर्मा गर्म क्रिस्पी मक्के की बाटी सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी बनी है। इन्हें हम अरहर की दाल या मिक्स दाल या चटनी या अचार के साथ में सर्व कर सकते हैं। बाटी बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। डो लगाते समय ध्यान रखना है ज़्यादा सॉफ्ट और ज़्यादा स्टिफ ना हो, और बेक करते समय ध्यान रखना है, सबसे पहले इसे कुकर में जब डालें तो ध्यान से डालें और 15-16 मिनट के बाद बाटी को चेक कर लें। इसके बाद हर 5-5 मिनट में बाटी को चेक करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें। आप बहुत अच्छी बाटी बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamudhulika.com पर शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट पढ़ने में, उनके रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे।